मैं डॉक्टर हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। एल टी ग्रेड इंग्लिश का न्यू बैच, भूल मत जाइएगा, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आने के बाद तो मैंने एल टी ग्रेड के लिए भी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है, और जो चल रही है तो है ही, एल टी ग्रेड के लिए भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी। और आज सीरीज़ का ये पहला लेक्चर आप लोगों के लिए, और आपको इस लेक्चर को देख के आपको कुछ याद भी आएगा। देखिए, एल टी में उन्होंने मेंशन कर रखा है अपने सिलेबस में कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ने हैं। तो उनमें लिटरेरी टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, बायोग्राफी, मेमोयर्स, ऑटोबायोग्राफी, ये सब कुछ दे रखा है। तो उन्हीं में से मैंने 3 टर्म्स ली हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स। आप लोगों को याद होगा यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में जो 3-4 क्वेश्चंस थे वो उठा के बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में से ही दे दिए गए थे, और एलटी में स्पेशली उन्होंने मेंशन कर रखा है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ बायोग्राफी। अब बायोग्राफी जो होती है ना, एक व्यक्ति की रिकॉर्ड होता है, व्यक्ति के लाइफ का रिकॉर्ड होता है, और उसकी पर्सन की जिंदगी फ्रॉम द बर्थ टू हिज डेथ, और एक जुडिशियसली, यानी कि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली लिखी जाती है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं, और जो बहुत ओवर इमोशनल ये चीज़ें होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं। फॉलिंग्स एंड फेलिंग्स एंड अचीवमेंट्स, इसमें उनके कहाँ उन्होंने अपने करियर में अचीव किया, कहाँ उनके अचीवमेंट्स, जो क्या चीज़ उनके कहाँ पे पिटफॉल्स हुए, किस चीज़ से, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। और ये लिखा किसके द्वारा जाता है? वन ऑफ द एडमायरर्स ऑफ दैट पर्सन। तो आप ये मान के चलिए, इतिहास कैसे बनता है? कार्लाइल ने कहा है कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, हिस्ट्री इज़ The compilation of many biographies. Biographies से ही इतिहास बनता है। तो biography सबसे पहली बात, it is not a new genre, it's an old genre. ये किसी भी, it is a record of a person from his birth to death, and it is written by a person who is the admirer of that particular person about whom he is going to write his autobiography, his biography, and all the events should be arranged judiciously. That is, there should not be over emotional things, and there should not be those points. Most importantly, some of the points should be kept in the biography, and some of the points should be left out. So, ये है biography, and ये इस biography के बाद point है. ड्राइडन ने बायोग्राफी के बारे में कहा है, द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइव्स, कि भाई ये इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइव्स, यानी कि कुछ लोगों की जिंदगी का ये पूरा का पूरा विवरण होता है बायोग्राफी। द बायोग्राफी एज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी जॉनरा फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन द 17th century। बायोग्राफी एक डिस्टिंक्ट लिटरेरी जॉनरा के रूप में आई थी 17th century में, जब आइजैक वॉल्टन ने आइजैक वॉल्टन्स लाइव्स केवल लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, केवल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही नहीं लिखा है, ये आइजैक वॉल्टन ने लिखी है लाइव्स, वो 1642-1648 के बीच में लिखी गई है। और फाइनल स्टैम्प ऑफ बायोग्राफी आई थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जब उन्होंने लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, यानी कि 52 पोएट्स की बायोग्राफी जो है वो ली है। अब इसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी है वो लिखी है जेम्स बॉसवेल के द्वारा लिखी गई है। कार्लाइल ने कहा है, हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज, कि हिस्ट्री कैसे बनती है, जब हम विभिन्न बायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जो है वो बनती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जब खुद लिखता है, तो दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क ये होता है कि उसमें इंसान ऑब्वियसली अपनी मृत्यु से पहले तक की ही चीज़ें लिख सकता है, और उसमें
ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी में एक फ़र्क ये होता है कि बायोग्राफी में ओवर इमोशनलिटी ओवर सेंटिमेंटेलिटी जो होती हैं वो नहीं होती हैं, लेकिन जो बायोग्राफी में नहीं होती हैं ऑटोबायोग्राफी में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं तो उसमें से आप अपने इमोशंस को काट कर अलग रख दें। तो इसीलिए जो ऑटोबायोग्राफी होती है इट इज़ मोर पर्सनल, और ये जो है ये खुद के द्वारा लिखी जाती है। आर एल स्टीवेंसन ने कहा है देर इज़ नो ट्रूअर सॉर्ट ऑफ राइटिंग देन वॉट इज़ टू बी फाउंड इन ऑटोबायोग्राफीज, कि उससे ज़्यादा सत्य कुछ नहीं है जब हम खुद के बारे में लिखते हैं, एंड सर्टेनली नन मोर एंटरटेनिंग। और ये भी सही है कि दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानना सभी को बहुत पसंद होता है, तो जब हम अपने ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे इवेंट्स बताते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ बताते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर पर्सनल सेल्फ, विच आर रिलेटेड टू आवर इमोशनल साइड, तो लोगों को ऑब्वियसली उसमें जो है वो ज़्यादा कनेक्टिविटी उनको होती है। अब ये देखिए द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी, अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी तो बहुत ही पुराना जॉनर है, सेंट ऑगस्टीन कन्फेशन ऑफ सेंट ऑगस्टीन, ऑगस्टीन्स कन्फेशंस जो कि लिखे गए थे 5th century AD में, और उसके बाद आई थी रूसो की ऑटोबायोग्राफी दैट इज़ कन्फेशंस, और ये है अंडर द सेम टाइटल कन्फेशंस। इन सेंट ऑगस्टीन की भी कन्फेशंस है, रूसो की भी है कन्फेशंस टूवर्ड्स, भाई वो आई थी 18th century में, और सबसे पुरानी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है सेंट ऑगस्टीन की कन्फेशंस। अब मेमोयर्स क्या होते हैं, तीसरी चीज़ है मेमोयर्स। मेमोयर्स जो होते हैं वो ऑटोबायोग्राफी से अलग होते हैं। ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर्स एक ही चीज़ नहीं होती। मेमोयर्स को हिंदी में मानिए संस्मरण को कहा जाता है। मेमोयर्स में राइटर अपने बारे में नहीं लिखता, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं लिखता, बल्कि जिन लोगों से वो मिला होता है पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ से, उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक अनुभवों को वो मेमोयर्स के रूप में ऐड कर देता है। तो ये तीन जो पार्ट्स हैं, तीन लिटरेरी टर्म्स हैं, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स। बायोग्राफी व्हेन अ पर्सन डजंट राइट अबाउट हिमसेल्फ, someone else write about that person, and उसे क्या कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी कोई नया जॉनर नहीं है, आइजेक वॉल्टन ने लिखा था 17th century में, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था 18th century में। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी जो कि ज़्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, एक जब अपने पर्सन अपने बारे में लिखता है, सब बहुत पुराना जॉनर है। सेंट ऑगस्टीन्स कॉन्फेशंस जो है वो माना जाता है सब पे बहुत पुरानी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद रूसो ने लिखी है सेम नेम से कन्फेशंस, और मेमोयर्स जब पर्सन अपने बारे में नहीं अपने से संबंधित लोगों के बारे में लिखता है जिनसे कुछ रोचक अनुभव जुड़े हुए होते हैं। तो इसी पे बेस मैंने आज कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, वो देखिएगा। हु इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट नोटेबल राइटर ऑफ बायोग्राफीज इन इंग्लिश, तो इसमें यह है कि भाई हु इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट नोटेबल राइटर, भाई आइजेक वॉल्टन ने शुरू किया था, लेकिन जो नोटेबल राइटर है ऑफ बायोग्राफीज, एक तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियां सी हो जाती हैं, ऑफ बायोग्राफीज ये है जॉन ऑब्रे का, और इनका जो है ये है दैट इज ये जॉन ऑब्रे का आया था, इनके वर्क का नाम है ब्रीफ लाइव्स, और ये आया था 17th century में, ये वर्क आया था 17th century में। हु इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट नोटेबल राइटर ऑफ बायोग्राफीज इन इंग्लिश दैट इज़ जॉन ऑब्रे, और इनके वर्क का नाम है ब्रीफ लाइव्स, ये आया था 17th century में। Now the next question is the lives of John Donne, George Herbert, Richard Hooker have been written in one volume by a biographer. Who is that biographer? The lives of John Donne, ये जो लिखी हैं ये किसने लिखी हैं, ये लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं आइजेक वॉल्टन के द्वारा, और इनके वर्क का नाम है लाइव्स और बायोग्राफीज ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, ये इनका है, ये द लाइव्स ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड हुकर, ये लिखे हैं किसने, आइजेक वॉल्टन ने, तो ये आइजेक वॉल्टन की है। और इससे पहले मैंने बताया था जो अर्लीस्ट बायोग्राफर हैं वो कौन से हैं, दैट इज़ जॉन ऑब्रे।
Now the next question is, the lives of how many poets have been written by Dr. Johnson in his lives of the English poets? आप देख रहे हैं कि एक ही नाम से कितनी सारी हैं. तो lives of the English poets जो लिखी है उसमें है बायोग्राफी है 52 poets की बायोग्राफी जो है वो उन्होंने ली है. Now the next question is, Dr. Johnson unintentionally left out writing the life of one important contemporary poet. Dr. Johnson ने unintentionally एक poet की biography छोड़ दी थी. अब वो poet कौन से हैं? तो वो poet है, that is Goldsmith. अरे Goldsmith है वो poet जिनकी biography जो है वो छोड़ दी गई है. तो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि जानबूझ के छोड़ी, मतलब unintentionally he left it. Who is the author of a number of biographies under the title Eminent Victorians? Eminent Victorians नाम की biography किसने लिखी है? Eminent Victorians नाम की biography लिखी गई है Lytton Strachey के द्वारा लिखी गई है. David Cecil has written a biography under the title The Stricken Deer. Whose life has he written in it? David Cecil ने एक बायोग्राफी लिखी है द स्ट्राइकन डियर, और इसमें उन्होंने किसके बारे में जो है वो लिखा है. तो ये देखिए कि भाई इसमें उन्होंने लिखा है स्ट्राइकन डियर, जो उन्होंने कहा है वो लाइफ ऑफ कॉपर. लाइफ ऑफ कॉपर के लिए उन्होंने जो है ये वर्ड्स यूज करे हैं स्ट्राइकन डियर. ये लाइफ ऑफ कॉपर के लिए है. द नेक्स्ट वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया? बायोग्राफिया लिटरेरिया या जिसे कहना चाहिए लिटरेरी बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है 18th सेंचुरी के द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमेंटिसिज्म, जिनका नाम है ST कॉलरिज, उन्होंने लिखी है बायोग्राफिया लिटरेरिया. Who has written the biography of Dr. Johnson? Dr. Johnson की biography किसने लिखी? मैंने आपको बताया था अभी कि जो biography होती है वो कोई one of the admirers जो है वो लिखते हैं. तो Dr. Samuel Johnson की biography लिखी है James Boswell ने. James Boswell के द्वारा लिखी गई है Dr. Samuel Johnson की biography. And now the next question is, who has written The Life of Napoleon? The Life of Napoleon किसके द्वारा लिखी गई है? The Life of Napoleon ये लिखी गई है सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा. सर वॉल्टर स्कॉट जो कि कहे जाते हैं फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल, उन्होंने लिखा है द लाइफ ऑफ नेपोलियन. दैट्स अ बायोग्राफी और ये लिखी गई. देखिए बायोग्राफी के लिए केवल यही नहीं जाने जाते हैं, इससे पहले रॉबर्ट साउदे ने भी जो है वो लिखी है लाइफ ऑफ नेल्सन बायोग्राफी के लिए. ये अभी हम कह रहे हैं कि ये कोई नया जॉनरा नहीं है, दैट्स एन ओल्ड जॉनरा. हु इज द ऑथर ऑफ 100 ग्रेट लाइव्स? 100 ग्रेट लाइव्स का ऑथर कौन है? 100 ग्रेट लाइव्स का जो है दैट इज रिटन बाय लियोनार्डो दा विंची. ये 100 ग्रेट लाइव्स जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखी गई है. ये अभी मैंने आप लोगों से कहा था लेकिन फिर एकदम मेरे दिमाग में आया. तो हु इज़ द ऑथर ऑफ 100 ग्रेट लाइव्स? तो ये लियोनार्डो दा विंची नहीं है एक्चुअली. ये मुझे भी इसमें कन्फ्यूज़न था, ये क्वेश्चन मैंने उसमें से देखा था बुक में, तो मुझे भी इसमें लग रहा था, लेकिन ये है नहीं इसका. ये एलन जॉन है या जॉन एलन, उन्होंने ये लिखी है जिन्होंने हु इज़ द ऑथर ऑफ 100 ग्रेट लाइव्स. ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत है, दैट इज़ एलन जॉन. तो मैंने भी बता दिया लेकिन मेरे को फिर बाद में लगा था कि ये ठीक नहीं है, तो मैं इसे सही करा रही हूँ, दैट इज़ एलन जॉन. तो इसे प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा. मतलब जब आप मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको जगह जगह दिखेगा भी, तो इसमें ऑप्शन में यही दे रखा है, बट आई डिड नॉट फाइंड इट एनी वेयर. तो इसीलिए मैंने इसे पहले मेरे दिमाग में ही आया, फिर मैंने चेक करा, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों पढ़ाते पढ़ाते एकदम से दिमाग में आया कि भाई ये हो सकता है ये क्वेश्चन अचानक से ऐसा लगा गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको चेक करा. चेक करके मुझे पता लगा कि भाई ये क्वेश्चन में कहीं ये नहीं है, तो मैं अब आपको इसके बता रही हूँ, दैट इज रिटन बाय एलन जॉन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिटन इज ऑटोबायोग्राफी अंडर द टाइटल थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड टाइटल से किसने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ये लिखी गई है डेविड डेचेस के द्वारा.
डेविड डेचेस, जो भी इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, डेविड डेचेस के नाम से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें डेविड डेचेस के बारे में ना पता हो। तो ये जो है थर्ड वर्ल्ड जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज़ रिटन बाय डेविड डेचेस। उसके बाद हम बात करते हैं हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंटाइटल्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प। किसकी ऑटोबायोग्राफी है जो सुपर ट्रैम्प के नाम से है द ऑटोबायोग्राफी, दैट इज डब्ल्यू एच डेविस। डब्ल्यू एच डेविस की है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ रूसोज ऑटोबायोग्राफी। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट ऑगस्टीन की है कन्फेशंस, अंडर द सेम नेम रूसो ने लिखी है, दैट इज ऑल्सो कन्फेशंस। What is the title of Osbert Sitwell's autobiography? Osbert Sitwell की autobiography का नाम क्या है? उनकी autobiography का नाम है Left Hand Right Hand. That is Left Hand Right Hand. The Prelude is the poetical autobiography of. Prelude is the poetical autobiography of William Wordsworth. प्रिल्यूड जिसको कहा भी जाता है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये एक लिरिकल बिल्डिंग्सरोमन जो है वो बिल्डिंग्सरोमन वर्क है, और ये जो है प्रिल्यूड जो है दैट्स अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी कैरीज द टाइटल ओपियम ईटर। 19th सेंचुरी के राइटर डी क्विंसी जिन्होंने लिखा था कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, जिसमें उन्होंने अपने ओपियम खाने के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर। डी क्विंसी ने बताया, हालांकि उन्होंने शुरुआत करी थी ओपियम खाने की अपने जो फेशियल उसको न्यूरोलॉजी को ठीक करने के लिए, बट इवेंचुअली बिकेम एडिक्टेड टू ओपियम, और उसके बाद उन्होंने ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर। डी क्विंसी के जो फेमस वर्क्स में से हैं ये तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और उनका एक ऐसे भी है वर्क है जैसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ग्रेस अबाउंडिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ग्रेस अबाउंडिंग किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो भाई ग्रेस अबाउंडिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन बनियन। ये जॉन बनियन की ऑटोबायोग्राफी है ग्रेस अबाउंडिंग। तो आप देख ही सकते हैं कि भाई ये कोई नया जॉनरा तो है नहीं। My experiments with truth is the autobiography of. My experiments with truth ये तो LT के सिलेबस में भी दी हुई है, महात्मा गांधी की है, that is autobiography of महात्मा गांधी। ये तो उसमें दिया हुआ भी LT के सिलेबस में mentioned है ये। And the next one is जवाहरलाल नेहरू wrote his famous letters to। जवाहरलाल नेहरू अपने letters किसको लिखा करते थे? He used to write novel letters to his to इंदिरा गांधी। And now the next question is with no regrets is the autobiography of। ये with no regrets autobiography किसकी है? With no regrets is the autobiography of Krishna। ये autobiography है कृष्णा जी की with no regrets। तो ये थे हमारे आज के बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर्स पे क्वेश्चन, और इनमें इसी तरीके से तीन तीन जैसे अभी दो तीन लिटरेरी टर्म्स ली हैं। आप सबसे अच्छी बात LT के सिलेबस में ये है कि उनमें उन्होंने राइटर्स मेंशन के वर्क्स मेंशन किए हुए हैं, कौन सी लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है ये मेंशन किया गया है, और क्या ग्रामर में भी पढ़ना है दैट दे ये उन्होंने अच्छे से मेंशन किया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट क्रिस्प चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये इसे 20 क्वेश्चंस और मेमोयर्स बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में अंतर जो है वो पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।